General Kayani was directly in command. Telephone par available hote the. As a major general, I used to take him up. He was very easily accessible. और हम जब बुलाया करते थे, he used to come. तो मेरे पास तो तस्वीरें हैं where he's awarded people in the field under fire. तो वो आकर land there and हम कहते थे कि he's done this, that. वो paperwork बाद में होता था, award he used to give to the people that he had to. जनरल कियानी की एक रेपुटेशन पब्लिकली डेवलप हुई कि जी थिंकिंग जनरल. ये थिंकिंग जनरल क्या होता है? वाकई जनरल कियानी एक थिंकिंग जनरल थे? जनरल कियानी बहुत डीप एक बहुत डीप आदमी है. ही थिंक्स डिफरेंटली फ्रॉम मोस्ट पीपल. जब हम उनसे बहस भी करते थे और इजाज़त भी देते थे बहस करने की, तो जब हम समझते थे कि हम बहस ये अपनी जो से पॉइंट ऑफ व्यू हमने दे दी और इट कुड बी एक्सेप्टेड, तो वो कोई ऐसी चीज़ कहते थे या ऐसा नुकता उठाते थे जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं. See, he had a reputation of a thinking man because you listen to a lot of people. पहले बहुत सुनते थे लोगों को, फिर अपना फैसला करते थे. लेकिन जनरल कियानी का मैं ये आपको बता दूं कि आई एम नॉट सेइंग दिस बिकॉज आई वाज देयर, ही वाज आवर चीफ एंड एवरी अदर चीफ इज द सेम. लेकिन उन्होंने जो किया था फौज के लिए, आई डोंट थिंक मोस्ट ऑफ द चीफ पुट टुगेदर कुड डू. फिजिकल ऑपरेशंस हैं वो जनरल कियानी के वक्त में हुए थे. बजौड़, दीर, बुनेर, ये सारे जो साउथ वजीरस्तान, ये सब सवाई नॉर्थ वजीरस्तान सारे के वक्त में हुए थे. एंड दे वर वेरी इंटेंस ऑपरेशन, वेरी हाई लेवल ऑपरेशंस जिसमें एयर एंड एवरीथिंग हैड टू बी यूज्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. वो था जिस तरीके से उन्होंने हमको इजाज़त दी थी अपने आप को कंडक्ट करने के लिए, और ख़ुद भी जैसे वो कंडक्ट कर रहे थे, वो very excellent, very well thought out, very well planned. वो तो था एक operational उनके वक्त के during his tenure क्या हो रहा था. लेकिन उसके अलावा जो लोगों को पता नहीं है, उन्होंने complete doctrine change कर दी as far as India is concerned. जब India ने hot pursuit और cold start और proactive strategy का किया, तो उसका एक जवाबी strategy बनाई थी और very good. और मैं central command का commander रहा हूँ और उसके साथ हमने army level exercise की to उसको validate कर दी. And he spent the night with us, stayed with us in the field जब ये exercise हो रही थी. It was a very big sea change in thinking. डॉक्ट्रिनल चेंज करना तो थियोरी है, उसके बाद उसके लिए वेपन चेंज कर देना, उसके बाद ट्रेनिंग चेंज कर देना, फिर टू चेंज द इंडक्शन ऑफ ऑफिसर्स एंड स्टाफ कॉलेज, वॉर कोर्स को चेंज कर देना उनकी वहाँ पर, उसको भी कर देना, ट्रेनिंग एट ओआरएस एंड सेंट्रल लेवल कौन सा वह उसको चेंज कर देना, ब्रिंगिंग इन न्यू वेपन सिस्टम्स लाइक जो एयर डिफेंस के हैं वगैरह वगैरह, बहुत ज़्यादा उन्होंने किया था. ये तो ऑपरेशनल साइड पर है. पेस को डबल करना, राशन को डबल कर देना, ऑब्लिगेटरी उसको कर देना, शहीद फंड जो सा था वो जिस तरीके से उन्होंने एक्सपेंड किया, रिहेबिलिटेशन ऑफ वुंडेड, ही कैन कंटिन्यू सर्विंग इन द आर्मी टिल एज लॉन्ग एज ही वांट्स, ही विल नॉट बी वोटेड आउट वॉर वुंडेड को. वहाँ पर आप पिंडी में देख लें जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है, जो लिम्स वगैरह का है, वो एक अलहदा कहानी है. फिर कम्प्लीट हॉस्पिटल सिस्टम को चेंज कर देना, पेपर फ्री आर्मी बना देना, फिर उसके बाद ये जो सिस्टम है ड्रोन्स का और ये सारा कुछ, ये उनके टाइम में हुआ था. आई थॉट ही डिड अ लॉट व्हिच इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड.